नगरपालिका अध्यक्ष के उपचुनाव थे नसीराबाद में, चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुए। 3 कैंडिडेट्स थे चुनाव में, अनीता मित्तल, रितुका सोनी और गीता जी। इसमें अनीता मित्तल प्रथम उम्मीदवार प्रथम आए हैं और रितुका सोनी रनर अप रहे हैं। इसी से हम अभी जस्ट इसके बाद हम लोगों ने उन्हें शपथ दिलाई। शपथ के बाद, शपथ ग्रहण के बाद ये अनाउंसमेंट तो हो ही चुका था। अनीता मित्तल को कितने मत मिले? अनीता मित्तल को 10 वोट मिले हैं और रितुका सोनी को 8। सरोज बिस्सा को? सरोज बिस्सा को किसी प्रकार का कोई वोट नहीं मिला। टोटल कितने वोटर में से कितने वोट पड़े? टोटल 20 मतदाता थे, उसमें से 18 मतदाताओं ने मतदान किया। पूर्व अध्यक्ष के द्वारा भी एक बताया गया है कि उनके द्वारा हाईकोर्ट से स्टे लाया गया है प्रक्रिया पर। देखिए, एक एप्लीकेशन प्राप्त हुई थी, उस एप्लीकेशन के साथ किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट अटैच नहीं था। उन्होंने सिर्फ एक एप्लीकेशन हमें दी थी, उन्हें हमने मौका दिया है कि अगर आप संबंधित कोई भी अगर कोर्ट का निर्णय है तो आप निर्णय की कॉपी पेश करें। वो हमें प्राप्त नहीं हुई है और जो भी निर्देश मिले थे उसके अनुसार प्रक्रिया प्रारंभ करी गई है, प्रक्रिया को संपन्न किया गया। हमारे नव निर्वाचित जो अध्यक्ष हैं, इनको बहुत बहुत हमारी ओर से, सभी कार्यकर्ताओं की ओर से बहुत बहुत बधाई और सभी पार्षदों का भी धन्यवाद जिन्होंने सबने साथ दिया और अपने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में अनीता जी को चुना। और जिला अध्यक्ष जी अपने अनीता जी बधेल, जीतमल जी प्रजापत जो प्रभारी है, उन्हें भी हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। अभी तक लंबित जो विकास कार्य हैं इनके लिए क्या अपनी वो है अभी योजना? लंबित जो विकास कार्य है उनको कराने का पूरा हमारा भी सहयोग रहेगा और जो इसमें नसीराबाद नगर पालिका के आसपास का पैराफेरी क्षेत्र में भी आसपास भी विकास होना चाहिए, इसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। जैसे जो बजट अभी आया उसमें नसीराबाद में सड़कें बनी, जो अपने नगर पालिका क्षेत्र से बाहर भी सड़कें स्वीकृत करा के आम जनता को फायदा पहुँचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने किया।